नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है रिलायंस पावर लिमिटेड का। दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड का शेयर अभी 4 रुपए 30 पैसे पर चल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात की जाए तो यह इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 17 जनवरी 1995 को हुई थी, 26 साल पहले, और इसके जो फाउंडर हैं वो धीरू भाई अंबानी जी हैं। और इसके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इसको जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों वे हैं इलेक्ट्रिकल पावर, नेचुरल गैस, और इसके सर्विसेज की बात की जाए तो इसकी जो सर्विसेज हैं वे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात की जाए दोस्तों तो इसमें 8,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो काफी अच्छी कंपनी है दोस्तों रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर दोस्तों, रिलायंस पावर की बात की जाए तो रिलायंस पावर का जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो काफी जगह चल रहा है। अभी हाल ही में दोस्तों इसने 6,000 मेगावाट का जो पावर ऑपरेशनल है उसको पूरा किया है, और इसके पोर्टफोलियो में दोस्तों 3,960 मेगावाट ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, इसके लिए भी दोस्तों इसने इसका काम चल रहा है। और अभी पावर जनरेशन कंपनीज के लिए दोस्तों इसने 4,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट सेटअप किया है जो कि काफी अच्छा है। दोस्तों इसके बिजनेस की बात की जाए तो जो इसका पावर प्रोजेक्ट्स है वह कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स है, गैस बेस्ड प्रोजेक्ट्स है, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, वाइंड पावर प्रोजेक्ट्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है, इनिशिएटिव्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी दोस्तों इसमें यह काम करता है। तो इसका जो बिजनेस एरिया है वो काफी अच्छा है। आप लोग चाहें तो दोस्तों अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिलायंस पावर लिमिटेड का जो मार्केट कैप है दोस्तों वह 11.95 बिलियन का है जो कि काफी अच्छा है, और आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों ये अंबानी ग्रुप की कंपनी है तो दोस्तों आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि मुकेश अंबानी जी इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें या रिलायंस पावर के शेयर होल्डर्स बन जाएं या इसका स्टैक बाई कर लें, क्योंकि दोस्तों ये अंबानी ग्रुप की कंपनी है और रिलायंस पावर पावर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है जिसकी काफी डिमांड है। तो आने वाले समय में जहां तक चांसेज हैं तो मुकेश अंबानी जी रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ला सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा ऑर्डर दिला सकते हैं रिलायंस पावर को। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में इस कंपनी का जो फ्यूचर है, भविष्य दोस्तों काफी अच्छा है। और दोस्तों अभी डिलीवरी की बात की जाए तो रिलायंस पावर की जो डिलीवरी हो रही है वो काफी अच्छी हो रही है। अभी 1 मार्च को दोस्तों 73% की डिलीवरी हुई थी जो कि काफी पॉजिटिव है, यानी कि लोग इसका माल उठा रहे हैं और इसका माल उठा के घर ले जा रहे हैं जो कि काफी अच्छा है। और अभी दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 26 मार्च को दोस्तों इसमें पोजीशन बनाई थी, 19,54,87,901 शेयर्स उसने बाय किए हैं HDFC ने, जो कि काफी पॉजिटिव है। उसने दोस्तों 1 से 2 रुपए के बीच में इतने सारे शेयर्स बाय किए हैं, तो आने वाले समय में इसका शेयर्स दोस्तों बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी ने दोस्तों इसमें पोजीशन बनाई है। तो आने वाला समय इसका काफी अच्छा रहने वाला है। और चार्ट में भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 2008 में इसने हाई लगाया था 331.25 रुपए का। तो दोस्तों यहाँ से बाउंस बैक का पैटर्न बन रहा है चार्ट में। आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग रिलायंस पावर लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए, और इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले
3 से 4 साल के लिए होल्ड कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 से 4 सालों में यह स्टॉक 145 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि आने वाला समय में दोस्तों पावर इंडस्ट्री की डिमांड काफी अधिक रहने वाली है, और जिस कैटेगरी में यह वर्क करती है वो काफी अच्छा है। तो आप लोग चाहें तो अभी पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।